मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पास आपके लिए सरप्राइज है। मैं मिलवाता हूं रवि से अपने नए अंदाज में। टडा, वाओ, लुकिंग नाइस। थैंक यू रवि। मुझे कहना पड़ेगा, बड़े अच्छे दिख रहे हो तुम। और अब लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने पेश है द मोर फॉर्मल सनाया। वाह, तुम अच्छी दिख रही हो सनाया। रवि, तुम भी। थैंक यू गाइज। अपने नए मेकओवर के साथ सनाया और रवि दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो आइए देखते हैं काम पर और उनके घर पर लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं। हे सनाया, सुनो, कुछ जरूरी बताना है। हे श्रुति, या एक टीम एक्टिविटी होने वाली है। ओके, तुम भी क्यों नहीं आती? श्योर। ओके सनाया, तुम्हें भी हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। श्योर। ओके, सी यू। आहा सनाया, देखो मैंने कहा था ना कि एक बार मेकओवर हो जाने पर लोग तुम्हें ज्यादा गंभीरता से लेंगे। मैं जानती हूँ, तुम कमाल हो श्रुति। थैंक यू। चलो, मीटिंग का समय हो गया। ओके। अरे रवि, सुनो। हाय। आज हमारे बीपीओ में कुछ महत्वपूर्ण लोग विजिट करने के लिए आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे मिलो। जरूर। दीदी, मेरा नया लुक कैसा है? एक और चमकदार ड्रेस लाया। ओह वाओ, तुम बहुत ही अलग दिख रही हो और बहुत ही प्रोफेशनल सनाया। बैठो। ये बदलाव तुम्हें कैसे आया? ऑफिस के मेरे फ्रेंड्स कहा करते थे कि तुमने पार्टी में जाने के लिए ड्रेस पहना है, तो मैंने उनकी राय मानी और अपनाई भी। मैं बहुत खुश हूँ तुमने अपना लुक बदलने के लिए सोचा। ये लुक इतना बढ़िया है कि अब ऑफिस में सभी लोग मुझे ज्यादा महत्व देने लगे। हाय भैया। हाय। अब मैं कैसा दिख रहा हूँ? आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो रवि। थैंक यू। तुम्हें पता है, बंटी ने मुझे ये नया लुक दिया। हाँ? है। मैं आशा करता हूँ कि अब तुम मुझे सभी सोशल गैदरिंग में ले जाओ। बिल्कुल रवि। थैंक यू। न्यूज में क्या है? खास नहीं। तो देखा दोस्तों, तैयार होना जरूरी है। ये आपके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को बढ़ाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके बारे में दूसरों को भी आत्मविश्वास देता है।